हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना आपकी संस्कृत की टीचर हूँ। इससे पहले बच्चों संस्कृत में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 3। इसके अतिरिक्त बच्चों हिंदी में जिस तरह से आपको वोकेबुलरी लर्न करनी पड़ती है, शब्द शक्ति लर्न करनी पड़ती है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति में कौन कौन से आपने समानार्थक, विलोम शब्द, जानवरों के नाम और फलों के नाम, फूलों के नाम कौन कौन से लर्न करने हैं, यह आज मैं आपको बताऊंगी। पहले पढ़ते हैं पाठ 3। चलिए ये वाला मतलब रुक जाओ इस पे कुछ। तृतीय पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा पुरुष द्विवचन। बच्चों प्रथमा पुरुष एक वचन आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, यह है प्रथमा पुरुष द्विवचन। अ एंडिंग मैस्कुलिन जेंडर। बच्चों ये अंत में जो पुल्लिंग शब्द आते हैं उससे पता लगता है कि ये अकारांत है या इकारांत है। कैसे, देखिए बालक, ये बालक के रूप हैं बालकः, तो ये अ अंत में आ रहा है अ, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो चलिए पढ़ने चलते हैं। बालकौ दो बालक, नरौ दो मनुष्य, चित्र में से भी स्पष्ट हो रहा है, छात्रौ दो छात्र, नृपौ दो राजा, शुकौ दो तोते, कपोतौ दो कबूतर, मयूरौ दो मोर, कुक्कुटौ दो मुर्गे, भक्तौ दो भक्त। देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। और आपकी क्लास 5 में नया सब्जेक्ट है संस्कृत, तो आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, शिक्षकौ कैसे इसका उच्चारण करते हैं आपको बहुत ध्यान से सुनना है। शिक्षकौ दो शिक्षक, चिकित्सकौ दो डॉक्टर या दो चिकित्सक, सैनिकौ दो सैनिक, वानरौ दो बंदर, सिंहौ दो शेर, गजौ दो हाथी, अश्वौ दो घोड़े। आगे देखिए, मूषकौ दो चूहे, वृषभौ दो बैल, कुक्कुरौ दो कुत्ते, मृगौ दो हिरण, छात्र, अब देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छात्रौ पढ़ता, दो छात्र पढ़ते हैं। देखिए छात्रों भी द्विवचन है, पहले में आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं छात्रा, अब यह है छात्रों। ऐसे ही इससे पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पठती, अब यह है पठता, ये भी द्विवचन है और छात्रों भी द्विवचन है। द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया लगती है। छात्रों पढ़ता, दो छात्र पढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए वानरौ दो बंदर, कूदता कूदते हैं, शिष्यों लिखता दो शिष्य लिखते हैं। शिष्यों जिसमें भी अ की मात्रा होती है ये द्विवचन होते हैं, पुल्लिंग शब्द द्विवचन। मूषकौ धावता दो चूहे दौड़ते हैं, शिक्षकौ पाठ्यता दो शिक्षक पढ़ाते हैं, गायकौ गायता दो गायक गाते हैं। आगे देखिए भक्तौ नमता, ये सब बच्चों द्विवचन के रूप हैं, क्रिया के भी द्विवचन के रूप हैं और शब्द के भी। नरौ गच्छता दो मनुष्य जाते हैं, बालकौ क्रीडता दो बालक खेलते हैं, बालौ उपविशता दो बालक बैठे हैं, सिंहौ गरजता दो सिंह गरजते हैं, मृगौ धावता दो हिरण दौड़ते हैं। आगे देखिए ये बच्चों आपका पार्ट 2 है, बहुत इजी है, सब द्विवचन के रूप हैं और इसको आप लोग घर पर पढ़ेंगे। ये इसके कुछ शब्द अर्थ हैं जो आपने कॉपी पर नहीं करने हैं, आप लोगों ने बुक से ही लर्न करने हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे किसी रफ कॉपी में इन शब्द अर्थों को लिख लेंगे और आपकी बुक्स का सेट आते ही इनको आप बुक से ही लर्न करेंगे। देखिए ये है बालकौ दो लड़के, नरौ दो मनुष्य, सब दो वाले हैं बच्चों, सब द्विवचन हैं। छात्रौ दो छात्र, नपौ दो राजा, भक्तौ दो भक्त, शिक्षकौ दो शिक्षक, सैनिकौ दो सैनिक, वृषभौ दो बैल,
कुकुर दो कुत्ते, जितने भी जानवरों के नाम हैं और क्रिया हैं सब द्विवचन की हैं। मृग दो हिरण, कूर्दतः दो कूदते हैं, जैसे वानरो कूर्दतः दो बंदर कूदते हैं। पाठ्यता दो पढ़ाते हैं, क्रीडता दो खेलते हैं, गर्जता दो गरजते हैं, नमता दो झुकते हैं या दो नमस्कार करते हैं। चिकित्सको दो चिकित्सक, पथिको दो यात्री, शुको दो तोते, कपोतो दो कबूतर, मयूरो दो मोर, कुक्कुटो दो मुर्गे, गजव दो हाथी, अश्व दो घोड़े, मूषको दो चूहे। ये सब रूप चलते हैं, मूषका मूषको मूषका, वानरा वानरो वानरा, इस तरह से। तो ये द्विवचन के हैं, ये मैं बार बार आपको स्पष्ट कर रही हूँ। वानरो दो बंदर, सिंहो दो शेर, पठता दो पढ़ते हैं, गायता दो गाते हैं, उपविशता दो बैठते हैं, खादता दो खाते हैं। ये इसके शब्द हैं।